सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एफके गुरु चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गी के बारे में। उसके बारे में कुछ बताऊंगा कि देसी मुर्गी आप कैसे करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में कुछ देसी मुर्गी के बारे में। आइए, इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल भी सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसमें बकरी फार्म बिजनेस आइडिया के बारे में खास करके इसमें आपको नॉलेज दिया जाएगा और जानकारी दिया जाएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि दिन पर दिन इसमें और अच्छा वीडियो आएगा। कुछ प्रॉब्लम इसके चलते इसमें वीडियो अभी अच्छा नहीं आ रहा है, और जो हमारा जो मैं बोला था मेरा फार्म जो अभी फार्म में हाथ लग चुका है वो फार्म बनना चालू हो चुका है और जल्द ही वो फार्म रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद से फिर उसमें जो भी बकरी फार्म का जो प्लानिंग था और उसमें कुछ देसी मुर्गी रखने का भी प्लानिंग है, और साथ में और भी आगे आदमी उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाएगा कि एक चीज से आदमी टाइम ज्यादा लगेगा तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाएगा जो जल्द इनकम आने का सोच हो। गाय भी आदमी सोचेगा कि रखने के लिए एक दो गाय हो जाए तो जल्दी उसके आगे उसका दूध बेच के आदमी इनकम जो भी आएगा तो उसको हम बकरी को खाने में पीने में या मुर्गी को खाने पीने में लगा सकते हैं। और मुर्गी जो भी है वो भी दो तीन तीन चार महीना के बाद जो अंडा देने लगती है तो उससे भी कुछ इनकम आएगा। तो मैं जल्द अपना फार्म में हाथ ऑलरेडी लग चुका है, और मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी आप जो आधा होता है पोजीशन, आधा पोजीशन बन चुका है, उसके ऊपर जो काम बचा हुआ है और जो भी एरिया जो जमीन है उसको घेरना जो भी बाउंड्री करना है वो बचा हुआ है, वो जल्द होने वाला है। अगर जो सब सेटअप रेडी हो जाएगा वो पूरा ओके हो जाएगा फार्म, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, ये सबसे पहले देसी मुर्गी के बारे में बात करते हैं। देसी मुर्गी में फायदा क्या है, घाटा क्या है, देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी में फायदा क्या है और घाटा, मैं इस पर बात करूंगा। तो देसी मुर्गी होता है उसमें आप देसी मुर्गी जो ओरिजिनल देसी मुर्गी में क्या है कि बीमारी बहुत कम होती है। देखते होंगे गाँव में लोग रखते हैं वो थोड़ा सा अच्छा किस्म का वो बच्चा नहीं रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो साल में 50-60-70 अंडा देती है। मगर हमको अगर बिजनेस करना है तो हम अच्छा जो नस्ल की मुर्गी है उसको ला कर रखें, जो भी उद्देश्य ही है, मगर अच्छी नस्ल की मुर्गी है जो आपको 150-200-250 तक साल में अंडा देती है वो मुर्गी, ऐसा आप कोशिश कीजिए मुर्गी को रखने के लिए। ब्रॉयलर में क्या है कि वो अंडा देती है उसके लिए पूरा सिस्टमिक काम करना पड़ेगा, सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। खाने के लिए आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, उसके बाद से आपको जो नीचे बिछाते हैं भूसा जो होता है या आपको चावल का भूसी हो गया उसमें आपको पैसा ज्यादा खर्चा होता है और जल्दी उसमें चेंज करना पड़ता है उसमें। और वो क्या है जल्दी ग्रोथ करती हैं, बहुत सा इंजेक्शन बहुत सा दवा, और क्या है कि एक मुर्गी अगर मरना चालू हो जल्दी बहुत सी मुर्गी मरती है और उनका बच्चा को भी रखने में बहुत दिक्कत है, उसमें बहुत सा टेंशन आता है। और उसमें बहुत कम मुर्गी फार्म जो खोले हैं सक्सेस हुए हैं, जो बड़े जो ज्यादा नॉलेज अपना ट्रेनिंग करके किए हैं वो ही सक्सेस हुए हैं, और विदाउट ट्रेनिंग का कोई सक्सेस नहीं हुआ है। और देसी मुर्गी फार्म में क्या है कि बीमारी बहुत ही कम होता है, मगर आदमी अगर आप फार्म कर रहे हैं तो उनका जो भी उसका वैक्सीनेशन है उसको आप दे दीजिएगा, क्योंकि आप रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक बार कर ले, एक आदमी अगर लॉस हो जाता है तो उस एरिया में बहुत से लोग करने से डरते कि नहीं फलाना आदमी का ये बंद हो गया, तो ऐसे करके ये हल्ला हो जाता है और बहुत से लोग उस एरिया तक नहीं करना चाहते हैं फिर। तो कभी भी आप इसका ट्रेनिंग ले लीजिए, फर्स्ट सेकेंड जो भी वैक्सीनेशन है उसको देना है आपको, और अगर कहीं भी कर रहे हैं तो अच्छी नस्ल की वो देसी मुर्गी की जो बच्चा लेकर आना, चूजा जो होता है लेकर आना है, और आपको उसको अच्छा से रखना है, सिस्टम से रखना है, आप उसको खोल के रखिए तो, या फिर उसको आप एक फार्म के जैसा बना कर रखिए तो आप उसको दोनों हिसाब से रख सकते हैं। मगर इतना आपको बता दूं कि उसमें बीमारी जो है बहुत कम है और वो थोड़ा लेट से ग्रोथ करती है, मगर जब ग्रोथ करती है महंगा है, उनका अंडा बहुत महंगा है, उनके अंडा कम से कम आज के टाइम में कम से कम मैं आपको बता दूं 10 रुपये से कम तो मिलेगा ही नहीं देसी मुर्गी के, और बहुत से डॉक्टर उस अंडे को खाने के लिए बहुत से लोग हैं जो बीमारी वो सी बीमारी उसमें लोग डॉक्टर बोलते हैं कि देसी मुर्गी का अंडा खाइए, तो ये सब 10 रुपये के नीचे उसका अंडा नहीं मिलेगा। और जो भी मुर्गा जो उसका होता है
देसी मुर्गा जो होता है आज के टाइम में 4 से 5 केजी के एक मुर्गा हो जाता है, और वो 1000 से 1500 रुपए के जी, सॉरी 1000 से 1500 रुपए का एक मुर्गा वो बेचा जाता है। मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि सेल, यानी अगर मीट के लिए सेल कर रहे हैं, अंडा तो मुश्किल नहीं है, मगर अगर मीट बेचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रॉब्लम। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी एरिया है आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ पे ये फार्म है, तो आपको उस सेल करने में दिक्कत नहीं होगा। यानी कि कुछ एरिया में आपको लोग को जानकारी होना चाहिए कि इस एरिया में फार्म है, देसी मुर्गी मिलता है, देसी अंडा मिलता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा और प्रचार, यानी प्रचार आपको करना पड़ेगा अपने फार्म के बारे में। अगर किसी को मालूम नहीं है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जो भी मुर्गी जो ले जाकर मार्केट में कटिंग करते हैं वो तो ज्यादा करके आपको ब्रॉयलर मुर्गी ले जाते हैं, और आप तो देसी मुर्गी को लोग बहुत लेंगे क्योंकि कस्टमर बहुत कम होता है उसका। मगर अगर आप बता देंगे तो उसका कस्टमर आपको आपके फार्म पे ही आ जाएगा, और सेलिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगा। और आप पता कर लीजिए कि किस जगह पे आपका देसी मुर्गी बेचा जाता है, जो तो कटिंग करते हैं वहां पे भी आप उसको बेच सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं एक बात और बता दूं आपको, आपको कौन कौन से इसमें देसी मुर्गी की नस्ल है आपको उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ कोशिश करूंगा, और उसके और भी बारे में क्या खाना है, क्या वैक्सीनेशन है आप उसके बारे में हम बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।